Dear students of class 10th, once again I have brought another video of history chapter 1st. यानी मैं दोबारा इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उसकी अगली वीडियो लेके आया हूँ. पिछली वीडियो में आपने फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार और फ्रेडरिक शारी के बारे में पढ़ा था. इस वीडियो में आप यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे. अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप को नक्शे में देखें तो आज वैसे राष्ट्र नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है. आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हुए राजशाही डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे पहले, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे. ठीक है, पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजस्थानों के अधीन थे. इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे. वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या की समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे. अक्सर वे अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातियों समूह के सदस्य थे, तो उन्हें कोई अधिकार नहीं थे. तो इस प्रकार अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे. ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ाने वाला नहीं था. क्या था? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला नहीं था. इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व तो केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा. इसके बाद कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग आया. सामाजिक और राजनीतिक रूप में जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप में सबसे प्रभावशाली वर्ग था. आप पहले ही पढ़ चुके हैं 9th में, जो मालिक थे जमीनों के ज़्यादातर कुलीन वर्ग थे. इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थे. ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक हुआ करते थे वो लोग. राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे. उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे. मगर शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक बहुत छोटा था. जनसंख्या अधिक लोग ज़्यादातर किसान थे. पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराए और छोटे काश्तकारों खेती करते थे, जब पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बंटती जिस पर भूदास खेती करते थे. अब क्या होता है कि उसी समय इंग्लैंड में औद्योगिकरण शुरू हो जाता 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों कुछ हिस्सों में यह 19वीं सदी के दौरान ही हुआ था. इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए. श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोग से बने. मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था. कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हो गए. तो ये तो था कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग कैसे हो रहा. दूसरा, इसमें आगे उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे. बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है. उदारवादी का मतलब होता है लिबरलिज्म. इंग्लिश में शब्द लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद. लिबरलिज्म होता है आज़ाद. नए मध्य वर्ग के लोग उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो. यानी उदारवाद का मतलब होता है कि कानून के समक्ष सबकी बराबरी और उनको आज़ादी. राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, ऐसा नहीं तो इसमें राजतंत्र. फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति संविधान तथा संदेह प्रदेश सरकार का पक्षधर था. ठीक है, तो उदारवादी लोग एक संविधान और संसदीय प्रदेश सरकार के पक्षधर में थे. अठारह सौ पंद्रह के बाद एक नया रूढ़वाद आता है. क्या होता है? 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़वाद की भावना से प्रेरित थी. यानी पहले की उन्हें आदत पड़ी हुई थी. रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उन्नीति, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए. फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे, क्योंकि क्रांति से पहले का जो दौर था वो कैसा था? निरंकुशाही तंत्र था, जिसमें लोगों को कोई अधिकार नहीं था.
नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तन, उन्होंने यह जान लिया कि आधुनिकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था और राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, दर्शील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदास की समाप्ति यूरोपीय निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते। तो 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति उन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था और उनका जो प्रतिनिधित्व किया था वो फिर वियना में जाकर मिले और सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर डेव मैट्रिक ने की। इन प्रतिनिधियों ने 1815 की एक वियना संधि तैयार की जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन के युद्धों के दौरान हुए थे। तो ये नया रूढ़वाद आया। इसके बाद एक रूढ़वादी के बाद एक क्रांतिकारी समूह आता है। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रपतियों को, राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया, यानी वो दमन के भय डर के कारण वो भूमिगत हो गए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों की प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बनाए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब राजतंत्रीय व्यवस्था को विरोध करना था जो बिना कांग्रेस संधि के बाद स्थापित की। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को, आज़ादी के संघर्ष को अनिवार्य मानते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जोसेफे मेस्त्री। उसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। इसके बाद उसने दो भूमिगत संगठन बनाए। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्य में समान विचार रखने वाले युवा थे। मेस्त्री का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे क्रांतिकारियों का युग 1830 से लेकर 1848 के बीच में। तो एक युग आया 1830-1848 के, क्रांतियों का युग आया। जैसे रूढ़वादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को मजबूत बनाने में कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मन के राज, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड, ऐसे ही कुछ क्षेत्र क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इसमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे हुए मध्यवर्ग के लोग थे। प्रथम विद्रोह 1830 फ्रांस में हुआ। बूर्बो राजा, जिन्होंने 1815 के बाद रूढ़वादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मैट्रिक ने एक बात यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति में ब्रसेल्स में भी विद्रोह बढ़ गया जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग। तो ये था क्रांतिकारियों का युग 1830 और 1848 में। तो इस वीडियो में अभी इतना ही और आगे वीडियो में मैं आपको और इस चैप्टर के बारे में और डिटेल में जानकारी दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।